खेल खेल में हुए विवाद के बाद गांव के कुछ लोगों के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों को धमकाया जा रहा है, जिसके संबंध में आज पीड़ित पक्ष ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी की शरण ली है। मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली थाना टोड़ी फतेहपुर के ग्राम रेवन में रहने वाली निशा पुत्री मुकेश रैकवार ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि क्रिकेट खेलने के दौरान उसके छोटे भाई का विवाद कुछ लड़कों से हो गया था। लड़के के परिजनों के द्वारा उसके घर जाकर उन्हें धमकाया जा रहा है, साथ ही उनके साथ अभद्रता भी की जा रही है। पीड़ित ने आज अपने परिजनों के साथ पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उक्त मामले से पुलिस को अवगत कराते हुए अपनी जान मान एवं परिवार की सुरक्षा की मांग की है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या समस्या लेके आई आप? इसलिए आए हैं कि हम लोग घर पे थे, जो गांव के बड़े लोग हैं यादव लोग दबंग लोग, तो वे लोग हमको मारने पीटने धमकाने लगे और बोले बताओ और कहाँ है तुम्हारा लड़का। और तो हमने बोला भैया मुझे क्या पता है, हम लोग से दूर रहो, हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, जिस उस बच्चे को हम ढूंढ रहे हैं, हम परेशान हैं, आप हमें और परेशान कर रहे हो, बताओ हम क्या करें, हाथ जोड़ रहे पैर पड़ रहे कि भैया मुझे माफ़ करो, हम लोग गरीब आदमी हैं तो हमारे हमको धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे। कौन कौन लोग हैं वो? निशांत यादव, हैप्पी यादव और उनके परिवार वाले। कहाँ के निवासी हैं वो? रेवन के। आप क्या चाहती हैं? हम बस सुरक्षा चाहते हैं कि हम लोग को ना, हम लोग अपने सुरक्षा चाहते हैं कि सर हमें कुछ ना हो जाए बस। आज आप कहाँ पर आई हैं? सीओ साहब के यहाँ आए हैं, ये मऊरानीपुर में। किस गांव की हूँ? हम ग्राम रेवन के हैं और हमारे भाई का विवाद हो गया है, छोटे भाई का विवाद, तो हमारे गांव के रेवन के यादव के तीन चार लड़के आए, हम लोग उनके साथ मारपीट की, अभद्रता की और गाली गलौज किया और मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। उन लोगों का निशांत यादव, शिवम यादव और हैप्पी यादव, ये तीनों लोग आए थे। इन लोगों ने हमारे साथ, हमारी माताजी के साथ मारपीट की और हमारे पिताजी को भी मारा पीटा। वे लोग कहाँ के हैं? वे लोग भी ग्राम रेवन के हैं और बोल रहे हैं हम तुम लोगों को गाँव में नहीं रहने देंगे और जान से मार देंगे बाहर निकलोगे तो। क्या दबंग लोग हैं क्या? हाँ, गाँव के दबंग लोग हैं, सपा के हैं, बोलते हैं हमारी सपा सरकार होती तो हम तुम लोगों को मार देते। आज आप कहाँ पर आई हैं? आज हम मऊरानीपुर आए हैं सीओ साहब के पास एक प्रार्थना पत्र लेकर कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमें सुरक्षा की आश्वासन दिया जाए कि हमारी सुरक्षा की जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं, हम सेफ्टी मांग रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए और हमारा उनसे कोई वो नहीं है।